चैप्टर वेरी फर्स्ट चैप्टर है ओके नो कॉन्ग वैक्सीन अगर आपका माइंड का प्रॉब्लम है नो स्पीड आउट ठीक है ट्राई टू रिस्पॉन्ड जब भी आपको लगता है कोई चीज तो यस और नो में आप फॉर्मेट में कर सकते हैं और जो भी आपको क्वेश्चन आते हैं हम डाल सकते हैं ठीक है तो मैं देख के रिस्पॉन्ड कर लूंगा ठीक अगर माइक को एक बार चेक करना माइक पर चल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी इट विल बी बेटर फॉर यू टू आप डायरेक्टली वॉइस का यूज करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे अपने हाँ और ना में आंसर अच्छे से कर पाएंगे चीजों को देखकर ठीक है चलो सो दिस इज योर थर्ड क्लास लिविंग वर्ल्ड हम लोग अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं देख रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और कोशिश मैंने की है कि हर वो चीज इस चैप्टर के अंदर जो है आपको एक बार इंट्रोड्यूस हो जाए क्योंकि पहले दो चैप्टर ऐसे हैं लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आधे तो क्वेश्चन एक एक है पर रियलिटी बताऊं ये वो होते हैं कि जो खासकर अगला चैप्टर भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला कि भाई बच्चों को यहाँ से ऊपर 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 की बातें होती हैं खाली उनके वो सिर्फ रट्टा मारते हैं सर की होते हैं सर पी ही होता है सर ये होता है हार्बेरियम ये फलाना बहुत सारी चीजें उसको रट्टा मारने के बाद वो बस अगर क्वेश्चन कुछ ट्रिकी दे दिया गया एप्लीकेशन पार्ट पे तो वहीं में जीरो और होता है क्वेश्चन बहुत ईजी डन जीरो भी क्या कहीं नेगेटिव वो करके तो आएंगे डेफिनेटली नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी तरफ नहीं जाना है अच्छे से समझना है और चीजों को फिर कैरी आउट करना है ताकि आंसर आप सही निकाल पाए चलो स्टार्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट This is your SV Gautam sir. I teaching your biology part basically. I'm starting with the botany part that is your living world. और ये आपका है NEET series, right? चलो start. See. So in this part, we are starting with the taxonomic category. क्योंकि इससे पहले वाले part में हम लोगों ने ये सब बाकी सारे topics को पढ़ा था. आज हम taxonomic category को समझेंगे. Okay? तो टैक्सोनोमिक कैटेगरी आपके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके माइंड में जब ये टैक्सोनोमिक कैटेगरी वर्ड आता है तो आप क्या सोचते हो सर ये होता होगा बताइए सोचिए और बताइए लिखिए कोई दिक्कत नहीं है जब अब मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूं जैसे कि आपने बुक पढ़ना शुरू किया तो आपके एनसीईआरटी में भी लिखा है अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें या नीचे स्टार्ट करें जैसा आपका मन करे वैसे स्टार्ट करो चलो मैं कहता हूं यार ऊपर से एक बार पढ़ते हैं फिर नीचे से पढ़ेंगे फिर बाद में कंटेंट को देखेंगे पहले समझना जरूरी है किंगडम नाम से अवेयर हो बिल्कुल ही आप 100% नो इशू एट ऑल फाइलम बिल्कुल ठीक है जी क्लास है ऑर्डर है फैमिली है जीनस है और स्पीशी है परफेक्ट सर डन अचीव अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया या कुछ कैरेक्टर रहे होंगे जिसके बेसिस पे क्लासिफाई किया सही है गलत है तो उनकी नेमिंग भी करी जैसे पीछे कहा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा ट्राइनोमियल पढ़ा आप लोगों ने देखा भाई होमो सैपियंस सैपियंस थर्ड पार्ट आ गया स्पेसिफिक एपिथेट है स्पीशी ऑफ जीनस है राइट तो सबसे लोएस्ट आप लोग ये मान के चलते हैं हम इस 1 2 3 4 5 6 7 जो हेरिटेरियल क्लास कैटेगरी का अरेंजमेंट दिया गया है हर एक कैटेगरी का आ गया हर एक का एक हेरिटेरियल अरेंजमेंट है ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा कि क्लास को ऑर्डर के नीचे लिख दिया जाए फैमिली को उठा के यहाँ लिख दिया जाए नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा तो जैसे होता है ना कि आपके स्कूल में भी हायरार्की होती है कि यार सबसे छोटी क्लास कौन सी है आपके स्कूल की आपको सर सबसे छोटी क्लास तो केजी है मान लीजिए मेरे पास केजी का इंफॉर्मेशन केजी है फिर अपर केजी है लोअर केजी अपर केजी है फिर वन से स्टार्ट करो और केजी में कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा 1 2 3 तो सबसे लोएस्ट पे 1 मान लीजिए फर्स्ट क्लास आपका एडमिशन हुआ 1 इज द फर्स्ट क्लास और केजी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं तो फर्स्ट उससे अपर क्लास एंड सो ऑन इसी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सी हायरार्की होती है दैट इज योर पीएन से लेकर प्रिंसिपल तक अरेंजमेंट है राइट हर एक के फंक्शंस हैं तो इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप क्लासिफाई कर रहे हो उनको अरेंज कर रहे हो तो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे अरेंज करते हो तो उनको पर्टिकुलर आप इन कैटेगरी में अरेंज करते हैं जैसे कि स्पीशी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर के कॉमन होने पर उन ऑर्गेनिज्म को स्पीशी एक कॉमन स्पीशी में रहता है तो हम कहेंगे क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस क्या है एक स्टेप में स्पीशी से ही हम पूरी चीज को क्लासिफाई कर देंगे प्लांट्स को या जितने एनिमल्स को क्लासिफाई कर देंगे नहीं बहुत सारे एनिमल्स हैं आपके पास आपने कल पढ़े भी थे बहुत सारे एनिमल्स जिनको आपके अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी 4,000 5,000 के अंदर डिस्कस भी किया गया कि यार कितने एनिमल्स हैं किसी प्लांट में डिस्कस किया बहुत सारी चीजें तो इतने सारे एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स हैं इंसेक्ट्स सबसे बड़ी क्लास ही है राइट तो अब बात यहाँ पे आती है कि क्या इनको अरेंज किया जाए एक ही स्टेप में नहीं आपको अरेंज करना पड़ेगा इनको बहुत सारे कैरेक्टर के बेस पे और वो सब कैरेक्टर्स जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे पर्टिकुलर ग्रुप दैट इज योर कैटेगरी तो यहाँ पे मैंने हर एक स्टेप को एक कैटेगरी माना है स्पीशी एक कैटेगरी है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब उनमें कॉमन
कैरेक्टर आ रहे हो और वो एक कॉमन स्पीच को बिलोंग कर रहे हो, तो अब बहुत सारी स्पीच ही जिनमें कैरेक्टर कॉमन हो रहे हैं तो आपने कह दिया वो क्या हो गया, दैट इज योर जीनस, दैट इज योर जीनस। तो स्पीशीज से क्या मिला बच्चों, जीनस मिला। अब क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज योर व्हेन सेवरल ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर जीनस को बिलोंग कर रहे हैं नाउ उनके कैरेक्टर कॉमन है, तो हम वी कैन कैटेगराइज अपर वन, एक अपर लेवल पे लेके जाएंगे, दैट इज योर फैमिली। तो बहुत सारी फैमिलीज हैं, मान लीजिए मैं भी एक फैमिली को बिलोंग करता हूँ, गौतम फैमिली है, शर्मा फैमिली है, गुप्ता जी है, तो बहुत सारे फैमिलीज है, कॉमन एग्जाम्पल को लो तो आसान होता है, लेकिन सब बहुत सारी फैमिलीज की बात हम कर रहे हैं तो दैट ऑल हैव सम कॉमन कैरेक्टर। अगर कुछ में उनमें से कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये फैमिली आपस में रिलेट कर रही है, एक साथ रह रही है, तो दैट इज फॉर्मिंग आवर ऑर्डर। अब उनको एक ऑर्डर में डिफाइन कर देंगे, और बहुत सारे ऑर्डर के अगर कैरेक्टर सेम आ रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में तो उनको हम एक बड़ी कैटेगरी क्लास, और फिर क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। फाइलम वर्ड जो है बच्चों याद रखना एनिमल किंगडम में या एनिमल्स के लिए यूज किया गया है। अब प्लांट में ये फाइलम वर्ड यूज नहीं करेंगे, डिवीजन वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, या एनिमल केस में लोग क्या करेंगे, डिवीजन वर्ड यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ आया होगा, आप जानते भी होंगे पॉइंट माइंड में किया, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ये स्टेप्स हो गए, ये कैटेगरी हो गई, हर एक ईच लेवल पे कैटेगरी हो गई, एंड ऑल दीज आर यूज to arrange the organisms which are belonging or which have different characters as well. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो अब ये point आपके mind में समझ आया, तो अब इस point को समझ पढ़ने की कोशिश करो क्या कह रहा है जैकी। Classification is not a single step process. बिल्कुल, मैंने भी यहाँ पे seven step लिए हैं, ठीक है? It's not a single step process, but involves a hierarchy of steps. एक के बाद arrange. जैसे मैंने starting में बताया था कि क्या मैं class को उठा के यहाँ रख दूँ, तो कहोगे नहीं सर ऐसा possible तो है ही नहीं। क्लास एक बड़ा कैटेगरी है, जीनस एक छोटी कैटेगरी है ना, एक हराची है ना अरेंजमेंट का। सो वी कैन से इट हैव अ प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ऑर्डर, एग्जैक्टली। सो टैक्सोनॉमी कैटेगरी इन ऑल कैटेगरी कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हराची। तो हर एक कैटेगरी अरेंज हो रही है और क्या बन रहा है, टैक्सोनॉमिक हराची बन रहा है। अब हर कैटेगरी को हम यूनिट, मतलब क्लासिफिकेशन का यूनिट भी कंसिडर करते हैं। तो पहला पॉइंट आपके माइंड में याद होना चाहिए, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसे मल्टी स्टेप प्रोसेस और एक प्रॉपर हायरार्की है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं यहां पर स्पीशीज जो सबसे लोएस्ट लेवल पे मैंने कंसीडर करी है, सेवन स्टेप प्रोसेस के अंदर सबसे लोएस्ट पे मैंने कंसीडर किया है स्पीशी को। जब मैंने स्पीशी को लोएस्ट कैटेगरी में सबसे अरेंज किया है बेसिक पर, तो मैं यहां क्या कहूंगा, एग्जांपल लेके चलूंगा कि यस स्पीशी एक बेसिक यूनिट है अंडरस्टैंडिंग की, ना टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन में बेसिक यूनिट है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की एग्जांपल लीजिए कि आप इसमें स्पीशी क्या है, मैंगो सबको बहुत फेमस है, सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेमस है, बहुत सारी स्पीशी मिलती है मैंगो की। आप कहते हो सर ये जो मैंगो है आजकल जो मौसम में आ रहा है वो कैसा है, लंगड़ा आम है, मतलब कैटेगरी है या पर्टिकुलर स्पीशी है। कोई कहता है भाई अलग अलग नाम से, रीजनल नेम से अलग अलग, तो आप ये तो हम लोग रीजनल नेम यूज करते हैं अलग अलग स्पीशी के लिए, लेकिन जैसा हमने पढ़ा कि अगर मैंगो को आपने कहीं भी स्टडी करना है इंटरनेशनल लेवल पर भी आप कहेंगे तो उसको साइंटिफिक नेम यूज करेंगे। तो साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा या मैंगीफेरा इंडिका। अब इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिका इज रिप्रेजेंटिंग योर व्हाट, स्पीशी, राइट, स्पीशी। यहां लिख लीजिए स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है वैसे यू आपको आइडिया होगा यार, इतना आपको नहीं आसानी से कंफर्म कर सकते हो कि यार पढ़ा हुआ आपने लोगों ने कभी पढ़ा हुआ अच्छे से, तो इंडिका इज स्पीशी एग्जैक्टली। अब यहाँ पर ये इटैलिक्स में लिखा है तो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप लोग लिखेंगे हैंड प्रिंट लिखेंगे तो आप मैग्नीफेरा को भी अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को भी अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली, एक लाइन पूरी मत कीजिएगा गलत हो जाएगा। तो इंडिका यहाँ पे क्या बच्चों, स्पीशी है। और जब बहुत सारे स्पीशीज मतलब इकट्ठे होते हैं तो जीनस का फॉर्मेशन करता है, तो इसके अगला ये वाला जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को, ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगला जो कैटेगरी है इसको जीनस कहा गया था। तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दो चीज मेंशन की जाती है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब करते हैं बायनोमियल में, ठीक है, बायोलॉजिकल मतलब आप क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका नेमिंग जब कर रहे हैं तो बायनोमियल नेमिंग करेंगे, ट्राइनोमियल भी है लेकिन बायनोमियल ज्यादा फेवरेबल होती है। तो उस केस में आप स्पीशी और जीनस इन दो का कैटेगरी का रैंक का यूज करते हैं।
इसी तरह से एग्जांपल में पोटैटो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूब्रोसम. सो ट्यूब्रोसम इज स्पीशी एंड सोलेनम इज योर जीनस. और हम कहते हैं सोलेनम जेनेरिक नेम है और ट्यूब्रोसम का स्पीशीफिक नेम है, स्पीशी है पर्टिकुलर. तो ऐसे एग्जांपल आपने ले लिए जो एनसीईआरटी जो भी एग्जांपल है एकदम माइंड में सेट होने चाहिए, वो याद होने चाहिए. अभी मैंने आपको खाली आइडिया दिया कि यार हाँ कैटेगरीज हैं, उनको आपने अरेंज कर दिया है. सेवन हायरार्की कैटेगरी है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. दीज ऑल आर बेसिक रिक्वायरमेंट. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. सी जैसा हमने कहा कि जीनस, तो जीनस में क्या कहेंगे, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट आर रिलेटेड. बिल्कुल ठीक है. आप इन दो महाशयों को देखिए, ये कौन है आपके साथ, टाइगर, दिस इज लाइन. तो लाइन और टाइगर में कुछ कैरेक्टर कॉमन मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, बहुत से कैरेक्टर कॉमन मिलेंगे. तो जब इस लाइन भाई साहब का साइंटिफिक नेम देखा तो आपका पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, इनका जब नाम पूछा गया इनसे कि भाई लाइन भाई साहब आपका टाइगर नाम बताओ जल्दी से, मालिक ने या बैरुल ने, तो आपने इन्होंने कहा मेरा नाम है पैंथेरा लियो. पैंथेरा लियो ये है, पैंथेरा टिग्रिस ये है. ठीक है, लिख देते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट इन रनिंग हैंड लिख रहा हूं. पैंथेरा लियो अंडरलाइन कर लीजिए दोनों को सेपरेटली. और ये भाई साहब कौन है, पैंथेरा टिग्रिस, राइट, अंडरलाइन. अब यह देखिएगा व्हाट इज दिस. यस बच्चों पॉइंट क्लियर हुआ. हाँ कि भाई टिग्रिस कौन है, टिग्रिस इसकी स्पीशी है. ये लियो क्या है, स्पीशी इसका रिप्रेजेंट कर रहा है. तो दोनों अलग अलग स्पीशी को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्पीशी के कैरेक्टर कुछ एक जैसे थे, इसलिए इन दोनों को एक ही जीनस में रखा. एंड व्हाट इज दैट जीनस, दैट इज पैंथेरा. तो बाइनोमियल को चेक करो, बाइनोमियल को चेक करो. पैंथेरा इज हियर, पैंथेरा इज हियर, पैंथेरा इज हियर कॉमन. That's why, अब इन पॉइंट को माइंड में रखकर आप आगे भी यही चीज फॉलो करेंगे, आप समझ पाएंगे कि यस आप किस तरह से चीजें स्टडी की जाती हैं. तो मैंने एग्जांपल लिया आपको जीनस को रिप्रेजेंट करने के लिए. इन दोनों का जीनस कॉमन है. क्यों कॉमन है, पैंथेरा से जीनस नाम है, क्यों कॉमन है, बिकॉज इन दोनों में कुछ कैरेक्टर कॉमन रहे थे. इन दोनों अलग अलग स्पीशीज में कुछ कैरेक्टर कॉमन रहे थे, इसलिए इनको एक बड़ी कैटेगरी में कॉमन दिया गया नाम पैंथेरा. वो बड़ी कैटेगरी क्या थी, दैट इज योर जीनस. तो जीनस की बात क्या हुई, द ग्रुप ऑफ स्पीशीज दैट आर रिलेटेड. ये दोनों भाई साहब रिलेटेड है. अगर मैं यहां पर कैट को रख दूं तो वो नहीं आएगा, कैट अलग होती है, ठीक है, उसका अलग है सर डेफिनेटली. चलो अब आते हैं पैन फैमिली पर, इससे अपर पे चलते हैं. तो फैमिली आता, अच्छा पहले ये बताओ क्या इतना पॉइंट क्लियर है एवरीवन, टेल मी वन, टेल मी फास्ट, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन. जल्दी से या तो माइक यूज करो बच्चों, या फिर मुझे टाइप टाइप अपना चेक करके बताओ, जल्दी से कमेंट डाल के बताओ. यस इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क. यस बच्चों, सतप्रीत, बिटसी, इज दिस पॉइंट क्लियर. जल्दी जल्दी बच्चों, फास्ट फास्ट बच्चों, माइक का तो कुछ करो यार, है ना, माइक का तो कुछ करो. आज इतना इजी तो होता है, क्या प्रॉब्लम है, अपना लीड ईयरफोन होते ना यार, उसको लगाओ अपने लैपटॉप के अंदर या मोबाइल में, जिस भी अटेंड कर रहे हो, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप में लगा लो, माइक में तो माइक में उसमें लगा लो अपना. सिंपल लीड है यार, किसी के घर में किसी के भी पास जाओ, सबके पास मोबाइल स्मार्टफोन सबके पास है, सबके पास एक लीड होती है, और घर में 5-6 लीड मिल जाती है. तो कुछ भी बच्चों, कुछ भी एक लीड लिया और लगा लो, बेटर है, आवाज भी काम में अच्छे से आएगी यहाँ पर, और आप बोल पाओगे तो मुझे सुनना ही पड़ेगा, ठीक है, हम इतना लैगिंग नहीं ले पाएंगे, मूव करेंगे फास्टली. तो मैं आपको हर कंटेंट बताना चाहता हूँ एंड कोशिश करना कि ज्यादा कंटेंट मिल जाए आपको और कंफ्यूजन कम हो, ठीक है. चलिए प्लीज, गुड, सतप्रीत आपका रिस्पॉन्स मिल गया मुझे, परफेक्ट. सी नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, डन. देखिए फैमिली क्या है बच्चों, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. अब आगे मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं मैथोलॉजी बता चुका हूं. बस कंटेंट लीजिए, कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ. अब फैमिली के केस में क्या चीज कंसीडर करते हैं, मैं उसको आपको ये बता देता हूं जो आपको माइंड में रोकना है. कि नंबर वन, यू हैव टू कंसिडर
in case of family, you have to consider both vegetative character and reproductive characters. And reproductive features और vegetative features यानी character दोनों को consider आपने करना है जब आप किसी plant को या किसी organisms को एक particular family में रख रहे हैं, ठीक है? तो अगर हम plant की बात करते हैं तो three different genera, right? क्योंकि different genera का एक upper hierarchical बनता है, that is your family common. तो Solanum, Petunia और Datura तीनों की अपनी अलग अलग के genus से Datura, Petunia और Solanum तीन अलग जीनस प्लांट के हैं, इनको कॉमन फैमिली में रखा गया है। वो कॉमन फैमिली क्या है जिसमें सोलेनम, पेटूनिया और डेटुरा रखा गया है? क्योंकि इनके कुछ करैक्टर कॉमन रहे होंगे, तो बहुत सारी जो ऐसी फैमिलीज हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे जो आपके क्या कहें हम लोग यार जेनराज हैं जिनके करेक्टर कॉमन है, तो उनको अपर वन कैटेगरी में रखा, कॉमन कैटेगरी में रखा, जिसको हमने फैमिली रखा, और इन तीनों का कॉमन फैमिली है सोलेनेसी। अब फैमिली में जब हम कंसीडर करते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टर कंसीडर करते हैं इकट्ठा रखने के लिए, तो आंसर वुड बी योर वेजिटेटिव कैरेक्टर एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, बोथ कैरेक्टर वी हैव टू कंसीडर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। ये अंडरलाइन किया मैंने इसलिए आपके लिए क्योंकि ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए बच्चों। नाउ अमंग द जैसे एग्जाम्पल लिया एनिमल, वो मैंने प्लांट एग्जाम्पल लिया, एनिमल्स में लो जीनस पैंथेरा, पैंथेरा जीनस नंबर टू, जिसमें क्या इंक्लूड था, लाइन और टाइगर इंक्लूड था, पैंथर लियो एंड पैंथर टिग्रिस, याद आ गया। लेपर्ड इज पुट अलोंग विद दिस जीनस, अब लेपर्ड जो है उसको इसी जीनस में रखा, एंड फेरिस कैट जो होती है उसकी जीनस अलग थी। अब लेकिन लेकिन फेरिस जो है अलग जीनस है कैट की, लेकिन इन तीनों को, फेरिस को, लेपर्ड को, टाइगर को, लाइन को, अब इनको कॉमन फैमिली में रखा गया क्योंकि इनके जीनस के कुछ कैरेक्टर्स कॉमन रहे होंगे, एंड दैट इज योर फेलिडी। तो फेलिडी इज द फैमिली इन विच फेलिस यानी कैट, लेपर्ड, टाइगर, लाइन जो डिफरेंट डिफरेंट जीनस को बिलोंग करते थे, नाउ कमिंग द कॉमन फैमिली, डन फेलिडी। नाउ फैमिली से अपर लेवल होता है दैट इज कैटेगरी ऑर्डर। ऑर्डर में हम कहते हैं कि यार ऑर्डर इज व्हाट, इट इज असेंबलीज ऑफ फैमिली, इट्स अ ग्रुप ऑफ फैमिली which have common characters, common characters hain ho. So families like Solanaceae and Convolvulaceae, in dono do alag alag family hain, Convolvulaceae and Solanaceae, plant mein padhoge aap lage aage padhoge, ab unko ek common order mein rakha gaya, wo order kya tha, in dono ke Solanaceae aur Convolvulaceae ka ek kuch character common rahe honge, that's why wo order hai polymorphs। एग्जाम्पल वैसे था कि हाँ ये ऐसे नहीं कि यही आएगा, पर आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यार मैंने एग्जाम्पल लगा था कि हाँ ऐसे हैं, तो ये चीज कंसीडर करनी है आपने, ठीक है? अब इसमें जनरली जब आपको सोलेनेसी और कॉर्नवलेसी फैमिली को, मतलब फैमिली को एक कॉमन ऑर्डर में रखना था, तो आपने कुछ कैरेक्टर स्टडी किए होंगे, उन कैरेक्टर के बेस पे आपने ये कॉमन ऑर्डर लिया पॉलीमोनियस। वो कैरेक्टर्स क्या थे, व्हाट आर दोस कैरेक्टर, तो आपको लिखना है कि वो कैरेक्टर जनरली किस पे से, फ्लोरल कैरेक्टर बेस थे, यानी फ्लावर कैसा था बच्चों, इनफ्लोरेसेंस कैसी थी, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस कैसा था, उनके बेसिस पर हमने इन दोनों फैमिली को एक कॉमन ऑर्डर में रख दिया। चलिए अब इसी तरह से मैंने एनिमल्स की बात करी, इन केस ऑफ फेलिएडी एंड केनिएडी, ठीक है, केनिएडी, ये दोनों अलग अलग फैमिली है लेकिन कुछ कैरेक्टर कॉमन होने की वजह से वी हैव पुट ऑन दीज टू फैमिली इन ए कॉमन ऑर्डर एंड दैट इज योर कार्निवोरा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा चीजें। क्लास पे आते हैं, और ऑर्डर से अपर होता है क्लास, हायरार्की चल रही है हमारी, तो क्लास रिप्रेजेंट्स द रिलेटेड ऑर्डर्स, रिलेटेड ऑर्डर्स, एंड वी कैन से द ऑर्डर नेम इज प्राइमेटा। प्राइमेटा एक पर्टिकुलर ऑर्डर है जिसमें कौन कौन सी क्लासेस आ रही है, आपको जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन, ये अलग अलग क्लास थी, अलग अलग क्लास थी ऑर्गेनिज्म की, इनको एक कॉमन ऑर्डर में रखा, कॉमन आपके क्लास में रखा, दैट इज योर, ठीक है, कॉमन अलग अलग ऑर्डर थे, तो एक कॉमन क्लास में रखा प्राइमेटा, राइट। अब ऐसे ही आपके पास उनके हिसाब प्लांट में भी कंसीडर करते हो, तो आपको यहाँ यहाँ क्या रखना है कि एक राची याद रखनी है कि किसके बाद क्या आता है। कॉडेटा इंक्लूड पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवेज, मैमेलिया, ये सारी क्लास है और कॉडेटा में सारी आ जाती है, ठीक है। किंगडम क्या है भाई, सबसे ऊपर। अब किंगडम क्या है, किंगडम में include all organism that set a distinct common character, इसमें plant kingdom हो गया, animal सब कुछ इसमें आके आ गया, तो ये highest rank पे पहुंच गया, highest category है, that is kingdom।
तो आपने सेवन कैटेगरी स्टडी करी, यहाँ पर कौन से सेवन कैटेगरी स्टडी करी, और सेवन कैटेगरी में आपने ये देख लिया कि यस इन कैटेगरी को अरेंज किया गया है कुछ कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पर, स्टार्ट किया जीनस से। अब आपको इसकी सीक्वेंस जरूर याद रखनी चाहिए कि किसको पहले रखा किसको बाद में रखा। अभी फाइनल टच देखिए, नाउ सी दिस वन, एक क्वेश्चन अब इस पे ये बनता है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हो चुकी है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से आपको और हायरार्की याद रखना चाहिए। पहले बात को स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। बच्चे कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन इज हेयर, क्लास को कई बार ऑर्डर को ऊपर कर देते हैं, क्लास को नीचे कर देते हैं, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। और इस पर ही एग्जामिनर कई बार आपके क्वेश्चन पुट कर देता है कि क्लास और ऑर्डर में चार पांच ऑप्शन दे दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तुम्हें आप बताइए सर सीक्वेंस क्या है, राइट सीक्वेंस क्या है, क्लासिफिकेशन की हायरार्की का क्या राइट सीक्वेंस है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का जो हायरार्कियल अरेंजमेंट है वो क्या है, राइट ऑर्डर क्या है। आपको किसी भी ऑर्डर में देखने वो पूछे किस पर्टिकुलर ऑर्डर में राइट है, तो आपको स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इन केस ऑफ एनिमल्स इट शुड बी अ फाइलम, इन केस ऑफ प्लांट्स इट शुड बी अ डिवीजन। ये पॉइंट आपको याद रखना, तो फाइलम और डिवीजन यहां मिलेगा। चलिए अब हम आगे चल सकते हैं, नाउ मूव द पार्ट। अब कुछ कुछ जो आपको याद करने होते हैं इस पे क्वेश्चन आए हैं कि डाटाबेस क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, कि आपके ऐसा नहीं है इस चैप्टर में, आपकी पूरी बायोलॉजी में जहां पर भी कोई कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है, सुनिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्टडी किए गए हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं बच्चों, तो दैट ऑर्गेनिज्म का एक क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो कुछ मैंने रखे हैं तो आप इनको ही लर्न कर लेंगे तो काम आपका चल जाएगा, कुछ अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने रखा है कॉमन नेम, ह्यूमन बहुत कॉमन है क्योंकि आप फिजियोलॉजी पूरी पढ़ते हैं, एवोल्यूशन में वहां पढ़ते हैं ह्यूमन का, दैट्स व्हाई इसको आपको याद करना जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट इज योर कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब है आपका वो जो हम जनरली वर्ड यूज करते हैं कॉमन नेम, राइट। तो मैन इज कॉमन नेम, राइट। बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, यानी कि साइंटिफिक नेम अगर कहें तो बायोलॉजिकल नेम होता हो गया ह्यूमन का या मैन का, दैट इज होमो सैपियंस। क्या हो गया, होमो सैपियंस, राइट है। ये इसका जीनस, ये इसकी स्पीशी, राइट है बच्चों, जीनस स्पीशी, परफेक्ट। बाइनोमियल सिस्टम रिकॉर्डिंग, ट्राइनोमियल होता तो होमो सैपियंस सैपियंस होता, वो भी बायोलॉजिकल नेम है नो डाउट, और ट्राइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो ये जो आपका होमो सैपियंस है किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपको यहाँ पर रोकना है, दो चार बार छह बार लिखकर अपना सामने रख लीजिए और उसको रोकिए कि यस हाँ ये चीज हमको होमोनेडी फैमिली को बिलोंग करता है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेट का ऑर्डर है। क्लास क्या है, ममेलिया है। कौन से फाइलम में आता है, कॉर्डेटा, ये नहीं पूछता आपसे बिल्कुल। तो आपको प्लांट के केस में डिविजन वर्ड यूज करेंगे और एनिमल केस में कॉर्डेटा यूज करेंगे, राइट। तो मतलब किंगडम वगैरह ये सब चीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या पूछता है, फैमिली पूछता है या ऑर्डर पूछता है या क्लास पूछता है, तीन चीज पूछती है, फैमिली ऑर्डर क्लास पे काम चलता है, डिविजन फाइलम वगैरह कोई नहीं पूछता, सबको पता है, बच्चों को जानते हैं। मैंगो पे आइए, मैंगो के केस में बच्चों, इन केस ऑफ मैंगो जनरल आपका मैंगो कॉमन हो गया आम। बायोलॉजिकल नेम मैग्नीफेरा इंडिका, पीछे बात की थी, जीनस एंड स्पीशी, अरे स्पीशी या फिर जीनस, फैमिली एनाकार्डिएसी, फैमिली क्या बच्चों एनाकार्डिएसी, राइट है। ऑर्डर क्या है, सैपनीडेल, राइट। क्लास क्या है, डाइकोटिलेडॉन, और किसमें आता है भाई ये आपके एंजियोस्पर्म, डिवीजन कैसा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आपको मैंगो का भी याद कर लीजिए, लेकिन मैंगो में कितना याद करना है बता देता हूं मैं आपको। मैंगो भाई कॉमन नेम पता है, साइंटिफिक नेम जरूर याद कीजिए, बच्चों का खेल हो जाता है कई बार। फैमिली याद करनी है जैसा नाम कहा गया, ऑर्डर याद रखना है नाम कहा गया, और मोनोकोट डाइकोट है कोई कुछ नहीं पूछने वाला, तो सब जानते हैं कि ये डाइकोट है। जहां बच्चों को कंफ्यूजन होती है वहां पे क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल फंडा है, एग्जामिनर आपको लट्टू क्वेश्चन देता है करो लो, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बच्चों को पूछेगा और कहीं पे अड़काएगा, क्लियर।
क्योंकि रैंकिंग तो वहीं से निकालनी है ना, तो एग्जैक्टली फैमिली ऑर्डर पे ज्यादा काम करना, डाइकोट तो आपको याद ही रहेगा क्लास है। फिर भी बच्चे क्या कंफ्यूज कर देते हो, इसको भी आप अंडरलाइन मार ही दो यार, क्या कंफ्यूज फील कराते हैं बच्चे, डाइकोट है क्या, डाइकोट नहीं है क्या, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, ये क्या है, ये भी पूछा जाता है कि ये मैंगो बिलोंग टू द डाइकोटिलेडोनी, व्हाट इज दिस, ये ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, स्पीशी है, जीनस है क्या, ये क्या शो कर रहा है ये डाइकोटिलेडोनी, या पूछा मैंगो बिलोंग टू अ सैपनीडेल, तो व्हाट इज सैपनीडेल हियर, सैपनीडेल बिलोंग, व्हाट इज दिस, ये फैमिली है, is it family, is it order, is it class, it is genus, it is species, what is this exactly, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको ये याद रहेगा तो वो पैटर्न क्वेश्चन का भी आप क्रेडिट मार्क करोगे, आसानी से करोगे। वीक पे आइए, वीक का स्टडी भी काफी है आपके क्लास 12th में, वहां पर स्पीशी पूछी गई है, तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड हियर काइटिका मेसेटाइगम, बिल्कुल डेफिनेटली पोएसी फैमिली परफेक्टली याद करना है, क्वेश्चन आए हुआ है, ऑर्डर्स का पोएल्स है, तो पोएल और पोएसी में कंफ्यूजन करके बनाते हैं बच्चे, और मोनोकोटिलेडन्स का क्लास है, तो ये भी आपको अच्छे से रखना, एंजियोस्पर्म तो है ही है, चलो ये इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी छोड़े यार, ठीक है, तो ये आपका मतलब जो मैंने वो रखा है यार, मैंने वही रखे जो मैं चाहता हूँ बच्चों को याद रहे, दैट्स व्हाई वही कंटेंट मैंने यहाँ पे रखा आपके लिए, ताकि स्लाइड को भी आप बार बार रिवाइज कर लो, मैं आपके ग्रुप में डालूंगा, तो आप स्लाइड से भी रिवाइज करोगे तो मेजर कंटेंट आपके पास कवर हो जाएगा, ठीक है, पर हाँ वीडियो को बार बार देखना ताकि आपके लिए ये हेल्प आउट हेल्पिंग हैंड पे काम करेंगे पूरी। हॉर्स एवोल्यूशन था प्लांट आपके क्लास 12th में, वहां भी गिवन है इक्वस कैपेलिस और इक्वस पीकस भी है, ठीक है, फैमिली इक्वेडी और ऑर्डर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेसोडैक्टाइली प्रेसोडैक्टाइला ऑर्डर है, फैमिली इक्वेडी है, क्लास मैमेलिया है, ठीक है, ऑर्डर और डिवीजन वगैरह कुछ नहीं, फाइलम वगैरह कुछ नहीं, गुजरात चुनाव करें, तीन चीज को याद करनी है, हॉर्स के केस में फैमिली क्या है इसका, इसका ऑर्डर क्या है, और इसका क्लास क्लास क्या रहेगा, इन दोनों पे कंफ्यूजन रहेगा, ध्यान रखना इन दोनों पे बनेगा क्वेश्चन। नाउ हाउस फ्लाई आइए, बहुत पहले क्वेश्चन आता था हाउस फ्लाई बहुत ज्यादा, आज भी कम हो गया है, तो म्यूसा डोमेस्टिका पता ही है, फैमिली म्यूसेरी और डाइपेट्रा ऑर्डर है, चलिए इनसेक्टर क्लास होगी। कॉकरोच पे आइए, कॉकरोच का मैं फिर अंडरलाइन दे रहा हूँ यहाँ पर आपको, साइंटिफिक नेम पेरिप्लेटा अमेरिकाना, क्योंकि अमेरिकन कॉकरोच है, पेरिप्लेटा ऑरेंजलिस होता तो एशियन कॉकरोच होता, हम वो हम पढ़ेंगे जब कॉकरोच पढ़ेंगे, ठीक है। फैमिली क्या बच्चों, ब्लैकिडे, ये याद कर लेना अच्छे से, आया हुआ क्वेश्चन है ये ब्लैकिडे, डिक्टोपेट्रा इसका ऑर्डर है और क्लास भी इंसेक्टा है, अंडरलाइन कर दिया मैंने, इन चीजों को जरूर माइंड में रखिएगा एटलीस्ट। तो ये छह एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ आता रहा है, राइट, तो आपके माइंड में चीजें जरूर रखिएगा चीजों को लेकर। एम्स के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं इस पर, एम्स पहले क्वेश्चन काफी बनते हैं इन चीजों को लेकर, तो कीप इट इन माइंड। नाउ अब थोड़ी सी बात हम करेंगे, एक क्वेश्चन का पैटर्न और देखा गया है एग्जाम्स में, क्या है पैटर्न वो बच्चों, वो पैटर्न ये है कि आपको दिया जाता है वर्ड और पूछते हैं ये ऑर्डर है, ये क्लास है, क्या है ये एग्जैक्टली, तो आपके पास अब उसको पहचानने के कुछ तरीके हैं जिनको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, उससे भी आप हेल्प यूज करके पहचान की क्लास है या आपका ऑर्डर है या ये फैमिली है, राइट। तो अकॉर्डिंग इन अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, फुल फॉर्म भी जरूर याद कीजिएगा, फुल फॉर्म भी जरूर याद कीजिएगा, आजकल क्वेश्चन आने लगे काफी, ICBN, कल भी बताया था मैंने, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी नेमिंग बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उनकी नेमिंग जो है आपको ICBN की कोड के अकॉर्डिंग होता है, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, और यहाँ पर हम डिफरेंट रैंक मस्ट बी एंड फॉलोइंग एंडिंग्स, वो सफिक्सेस होते हैं, हर जैसे क्लास एक पर्टिकुलर रैंक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, ऑर्डर एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, राइट, फैमिली पर्टिकुलर कैटेगरी है, तो सबके सफिक्स है ना लास्ट में कोई पर्टिकुलर सफिक्स लगेंगे, जिससे आप वो एक सफिक्स ऐसे कुछ भी लगा दें, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, कोड्स होते हैं जिसके बेस पर सफिक्स को डिफाइन किए जाते हैं, तो हमें तो खाली ये याद रखना है कि सफिक्स कौन सा है किसके लिए, चल क्या क्या सफिक्स के लगाए जाते हैं ऑर्डर के केस में, क्लास के केस में और फैमिली में, तीन चीजों में ज्यादा कंसिडरेशन होता है हमारा। देखिए सी, सबसे पहले हम चलते हैं फाइलम और डिवीजन, बहुत आसानी से आप इसको पहचान लेते हैं फाइलम डिवीजन, क्योंकि सफिक्स इसमें फाइटा या माइकोटा वर्ड यूज किया जाता है, फाइटा
या माइकोटा, जैसे एग्जांपल लीजिए स्पर्मेटोफाइटा, इस वर्ड के लास्ट में सफिक्स फाइटा लगा हुआ है, फाइटा वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तो आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगी, हाँ सर फाइटा जो सफिक्स है डिवीजन या फाइलम के लिए ही यूज होता है, तो ये कौन सी कैटेगरी है, फाइलम या डिवीजन कैटेगरी को बिलोंग करता है, जैसे ब्रायोफाइटा डिवीजन हो गया फाइटा, राइट, प्लांट में होता है फाइटा डिवीजन के लिए, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा फाइलम में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉर्डेटा इधर इधर, ये एंथ्रो आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ये भी आपका पोडा, पोडा राइट, माइकोटा फाइकोटा, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी बताओ यहां पर ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसको हटा दीजिए यहां पर, इसको हटाओ, ये चार एग्जांपल आपने इन दो पैटर्न के बेस पर आपने लेना है, फाइटा एंड माइकोटा, बहुत ज्यादा नहीं आता लेकिन आपको दो एग्जांपल मैंने लिए उसके बेस पर याद रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा चीजों को लेकर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, सी क्लास के लिए क्या क्या है, क्लास के केस में क्या क्या सफिक्स यूज होते हैं, तो क्लास में ऑक्सीडा जैसे लाइकोक्सीडा एग्जांपल, फाइसी रोडोफाइसी रेड एल्गी, एई डाइकोटिलेडोनेई क्लास, इया ममेलिया, माइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिलोमाइसिटीज, हाँ तो ये क्लास में कितने सारे सफिक्स यूज किए गए हैं, ऑक्सीडा फाइसी एई एंड माइसिटीज, थोड़ा माइंड में रखना दो चार बार माइंड में, तो आप जब भी कोई साइंटिफिक वर्ड समझें तो ये इनका जरूर माइंड में रखना, ये क्या सफिक्स वहां पर है जिससे आपको उसका नंबर, उसका मतलब ममेलिया क्या है, ममेलिया ऑर्डर है या क्लास है या जीनस है क्या, तो आपने कहा सर इया, इया वर्ड लास्ट में आ रहा है और ये ममेलिया इज इया फॉर क्लासेस के लिए, लाइकोक्सीडा सीधा वर्ड है सीधा, ऑक्सीडा ऑक्सीडा यानी ऑक्सीडा क्लास के लिए सफिक्स यूज किया जाता है, फाइसी क्लास के लिए सफिक्स किया जाता है, रोडोफाइसिस पियोफाइसिस एंड सो ऑन, माइसिटीज एस्कोमाइसिटीज बेसिलोमाइसिटीज एंड सो ऑन, राइट, तो इस तरह से इनको आपका माइंड में जरूर रखिएगा। चलिए अगला ऑर्डर केस में क्या सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, तो एल्स एल्स यूज किया जाता है, फॉर्म्स यूज होता है और एयर, तो ज्यादातर इन दोनों पे काम बनेगा, इसमें ज्यादातर नहीं क्योंकि कंफ्यूजन डेट होती है, तो एग्जामिनर आपसे बस ये जान लेता है कि हाँ आप कैसा कर रहे हैं, क्या चीज आपको याद है क्या नहीं है। सैपरी टेल एल्स बिल्कुल है, कैप्रिफॉर्म्स फॉर्म्स दिया हुआ है, प्राइमेटा एटा ए का, डाइ कार्निवोरा आर का और डाइपेट्रा आर का, तो इन कंफ्यूज मत होना, थोड़ा याद भी करेंगे तो आपको चीजें निकल भी जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट फैमिली का आया, तो एसी एंड ईडिया जैसे फिलीडिया केनिडिया मिसेरी राइट होमोनेडी, तो एसी या एडिया ये दोनों वर्ड फैमिली के लिए यूज किए गए हैं। अब ट्राई करना है इनके आंसर देने की आप लोग, चलो बताओ कोशिश ट्राई करो बच्चों क्या होना चाहिए आंसर आपके अकॉर्डिंग, व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू, और ये आपका होमवर्क भी रहेगा, आप लोग करके आएंगे बता बताएंगे, अभी से नहीं होगा बाद में कर देखना, अभी बताओ पहले तो फाइंड द करेक्ट मैच, सभी मुझे अपने अपने कमेंट सेशन में डाल के देंगे, जो अभी ऑनलाइन लाइव क्लास मेरे साथ है वो अपने कमेंट सेशन चैट सेशन डालो कि सर ये हो सकता है राइट, और जो बाद में पड़ेगा उसको अपना कमेंट सेशन में डालना है। फाइंड द करेक्ट मैच पिब्रोसम पैंथेरा, क्या ये करेक्ट मैच है, पॉडस कैनिस ल्यूपस कैनाइन, इनमें से कौन से हैं बताइए, पुराना पढ़ो पिछले वाला देखो उनका देखो क्या क्या एग्जैक्टली दिए हुए हैं साइंटिफिक नेम के बेस पर कितना है, फाइंड आउट करो और निकाल के बताओ कि हाँ इतना है। आगे वाला क्वेश्चन पता है ये आपका होमवर्क है, करके मुझे बताना है आप लोगों ने, मेरे को व्हाट्सएप करना कि सर इसका आंसर ये आ रहा है हमारा, ठीक है ये लीजिए ये आपको मैं होमवर्क यहाँ पर दिया, तो यू हैव टू परफॉर्म यू हैव टू फाइंड आउट, ताकि आप अपने डाटा बेस को खोलो कि कितना है और उसको फिर निकालो कि हाँ इसका ये है सही है इतनी गलत है कितने कौन सा आंसर आपका, ठीक है चलो अगर अभी नहीं याद हो रहा नो डाउट याद करना है आपने ये आपका होमवर्क। अगला क्वेश्चन देखिए जितने भी याद वाले क्वेश्चंस करने के हैं उनको आप समझ लीजिए आपको करने करने हैं, आपको डेफिनेटली लर्न करना है बार बार क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आपको लर्निंग हैबिट डाल लेनी ताकि अगला भी आ रहा है। कार्निवोरा इंक्लूड, कार्निवोरा इंक्लूड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू रिलेटेड जेनरा, यस बेटे बताइए सर क्या होगा, कार्निवोरा इंक्लूड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द, मैं आंसर इसको आपको अपलोड कर दूंगा डॉन्ट वरी, लेकिन आप अभी अपना थोड़ा माइंड घुमाओ कि हाँ क्या रखेंगे हम आंसर,
किस में रखें, कार्निवोरा क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डोंगर रिलेटेड जनरा या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डोंगर रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके डन है, डन है, डन बेट से इसका आंसर। सेकंड का क्या लगाओगे आप अकॉर्डिंग, सभी डालो, ट्राई करो, गलत होता कोई बात नहीं, मैच करना बाद में। कार्निवोरा था क्या, सोचो पहले क्या कार्निवोरा किसमें आता है, कैमिली है, जीनस है, ऑर्डर है, क्या है, सोचो पहले इसको, फिर आप इसका आंसर अपने आप निकाल लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ओके डन, चलिए अगला पॉइंट देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू, दिस इज द होमवर्क आपने करना है, अपने आंसर निकालने हैं, मेरे पास कुछ आंसर मिल भी रहे हैं, मेरे पास चैट में आ रहे हैं, मिल गया मुझे बैठ से, आपको भी आंसर मिला, सबकी तरफ मिला, ठीक है। Our group of organisms belonging to the one or more related organisms orders are assigned to, क्या कहें इसको हम, क्या आंसर सही बैठ रहा है आपके, which should be the right answer, बच्चों। Group of organism है belonging to one or more related order are assigned to, उसको हम क्या कहें, different class में रखें, same family रखें, same class on the basis of few similar character, any taxa lower to order टैक्सन हरेशी में, या सेम फैमिली ड्यू टू सिमिलर मॉर्फोलॉजिक करेक्टर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर के ऊपर क्या आता है ये सोचो ना, ऑर्डर के नीचे क्या आता है उसके बेस पर आप निकाल लोगे, ठीक है। चलो बढ़िया, परफेक्ट है, सही आपका आंसर। अब इस मैंने ये जो पीछे दिखाया आपको, तीन क्वेश्चन दिए, वो खाली मेरा पर्पस ये था कि आप खुद दिमाग लगाओ, वरना इन क्वेश्चन को रट्टा मार के चले जाते हैं, साइंटिफिक नेम को रट्टा मारना ही हो, मैं भी कहूंगा रट्टा मार लो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको हायरार्किकल क्लासिफिकेशन की रैंकिंग याद हो जाए, किसके बाद क्या है और क्यों है, अगला पिछला क्या है, किसके बेस पे रखा गया है, दैट्स इट। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टैक्सोनॉमिकल एड, टैक्सोनॉमिकल एड की बात कर रहे हैं यहां पर। बच्चों टैक्सोनॉमिकल एड का मीनिंग क्या है पहले ही समझिए, मतलब ये हुआ अगर आप टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, या किसी को पहचान रहे हैं, टैक्सोनॉमी सारी चीज करते हैं ना, नेमिंग करना, क्लासिफाई करना, अरेंज करना, ऑल दिस, तो उसमें कौन से किसी प्लांट को आप स्टडी कर रहे हो मान लीजिए, तो वो क्या हेल्पिंग हैंड्स हैं, विद द हेल्प ऑफ दोज हेल्पिंग हैंड्स यू आर इजी, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई the characters of the given specimen by relating it with the previous one, या कोई किसी previous one character से आपने या organism से relate किया उसको, तो कुछ कुछ ना कुछ ऐसे technical aid होंगे जो आपको help करेंगे इस process में। तो taxonomical aid जो है basically, these are what, these are herbarium, first herbarium सभी ने word सुना है, definitely सुना है, कहने हर्बेरियम वर्ल्ड में आपने कहा कि सर हर्बेरियम शीट होती है, बिल्कुल डेफिनेटली बच्चों ये हर्बेरियम शीट है, इसका साइज एम्स एम्स के क्वेश्चन में आता था, लेकिन बहुत ज्यादा कहते थे, लेकिन आपको बता रहा हूँ आपको याद करना है, स्टैंडर्ड साइज इसका होता है 29 से 41 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, यानी 41 सेंटीमीटर इसका ये वाला क्वेश्चन हो गया और 29 सेंटीमीटर के आसपास ये वाला हो गया। अब एक हर्बेरियम शीट है, काफी थिक शीट होती है सर, यस यस बेट से Sir, can you just explain more in English? Because Hindi, I know I can understand, but more I don't know. यानी आपका माइक वर्क कर रहा है, तो ओके, परफेक्ट। Now it was working, so that's the reason. No problem at all. See, in the case of taxonomical aid, these are simply what happen, बच्चों, in this, with the help of these taxonomical aid, we can classify, we can arrange the particular characters, and by using these characters, we can simply we can say we classify the organism on the basis of some character, and these characters on and these character can be judged or can be related with the help of some helping hand. What are these helping hand? These are the taxonomical aid. Ab dekho herbarium case mein, in the case of herbarium, what is this? This is a taxonomical aid. Ye kya aapka taxonomical aid hai? Kaise dekho? Ab in case of taxonomical aid, we have a particular size of this herbarium sheet. The size is 29 into 41 centimeter. 29 is the this portion, that is the length we can say, length we can say 41, and the this breadth would be your 29 centimeter. So
ऐसा नहीं है कि यार आपको 29:141 थोड़ा याद करना है, इट मे बी आस्क्ड क्योंकि गिवन है, पर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. पर हाँ, आपको आइडिया होना चाहिए कि यार यू शुड हैव आइडिया कि 29:41 सेंटीमीटर के आसपास रहता है. नाउ दिस इज वेरी थिक सीट एग्जैक्टली. बाय यूजिंग दैट सम टैक्सोनॉमिकल एड लाइक हर्बेरियम वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द एनी काइंड ऑफ प्लांट. फॉर एग्जाम्पल, if you considering any plant, for example, you go to the you are simply botanical garden and you find out some plant which is exactly new or it is related to any other new species hota hai ya phir kuch plant purana hai na related to. So karoge kya agar aapke paas herbarium hai, if you have herbarium sheet with you or you have a museum, there these herbarium sheet are there, so you can correlate the characters. You can correlate the size of the that this inflorescence exactly. Inflorescence means your flower arrangement, your venation means the your veins arrangement in the leaf. You can see the aestivation and all those things, means different floral character, different plant ki jo morphology and anatomy, not only morphology not anatomy, you can correlate these character with the characters given in the herbarium sheet. तो दो चीजों को correlate करोगे. तो herbarium sheet is what? It is the some kind of specimen मान लीजिए, which is dried. उसको dry कर लिया गया है properly. तो you can prepare herbarium sheet by drying the specimen, pressing the specimen, or preserving it on the sheet. You just glue this specimen on the paper, that is your herbarium sheet paper, and keep it with you for a long time, and you can easily classify that according to that. At this bottom portion, you will find some area where you can write your scientific name of the plant which you observe. Number one, you can also write the common name there, your location where from where you have isolated, you have exactly studied or this particular plant, as well as the date on which you have isolated or you have collected that plant. So all this information should be given at one particular right corner of the herbarium sheet. Left corner में हम कुछ portion लगा देते हैं, पर सब कोई use नहीं है, लेकिन right corner पर we use all these things. ठीक है? तो आपको क्या रखना है? Herbarium sheet क्या है? These are dried, pressed, preserved specimen of plant या plant part on a sheet, thick sheet of paper, that is called herbarium sheet. This point is clear to everyone? Bits clear है? Yes, is this point clear? Done. See, obviously, an important point here is that if how we exactly prevent this specimen from getting infection by fungus, DDT, or any other kind of chemical compound. So all the specimens are sprayed with the fungicide. So you have to learn the name of fungicide. For example, 1% solution of mercuric chloride. 1% solution of mercuric chloride is used as a fungicide, as well as pesticide like DDT, which is normally banned. So, अभी use नहीं करते हैं. This solution is used mostly. Naphthalene is also used for preserving the thing for a long time. Carbon disulfide is also used, CS2 spray करते हैं generally. And preventing the infection of by getting the specimen get infection of your fungus or any kind of bacterial any kind of जो उसको deteriorate कर दे ना उसे prevent करने के लिए. So because you people are preserving these for a long time, so these specimen should be dry and should be moisture free, first thing. And second thing, it should be sprayed with some kind of fungicide so that the fungal infection should not be there. Exactly. Done. Next point देखो. What are the different steps of herbarium technique? So first of all, collection. You have to collect this particular specimen, particular plant part, and then dry that part. For example, you have collected the one twig or a leaf part or any root portion. If you have plant very short in size, which can be assembled, which can be arranged in that herbarium sheet, to pura plant bhi aap paste kar sakte ho, right? So herbarium technique are there. What are these? First step is your collection. First you collect the specimen which you want to preserve for a long time. Second step is you have to dry that specimen
बाय सनड्राइंग कर सकते हैं, आप उसको प्रेस करो, ठीक है, प्रेस करो पेपर्स के अंदर, वेट लगाकर, देन यू हैव टू पुट और कीप इट इन सन डायरेक्टली सो दैट इट इज ड्राइड, वाटर कंटेंट मॉइस्चर कंटेंट शुड बी रिमूव्ड, राइट, सो ड्राइंग शुड बी देयर सेकंड स्टेप, एंड देन पॉइजनिंग, व्हाट मीन पॉइजनिंग हियर, अगेन वही फंगीसाइड का ट्रीटमेंट, बिकॉज after drying you have removed almost all water, but it might possible some amount of moisture would be there, that's it. So to prevent the infection of fungus on the plant species or plant part which you are preserving, you have to use the fungicide. So you have to use 0.1% mercury chloride or sulfur, carbon sulfide, disulfide, DP or PDP, these are some chemicals. DT is not normally used. आप हथेली भी यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं. माउंटिंग इज वॉट, नाउ वॉट यू डू एग्जैक्टली प्लेसिंग योर स्पेसिमेन इन अ पर्टिकुलर पोजिशन ऑन द हर्बेरियम सीट, दैट इज ऑन माउंटिंग. आपको स्टिक कर सकते हो, स्टिच कर सकते हो, लेबल, देन आफ्टर माउंटिंग एंड स्टिचिंग यू हैव टू लेबल. लेबल मीन्स यू हैव टू लेबल, यू हैव टू मैंशन द inflorescence, which kind of inflorescence there, if your flower is there, flower part is there, so which kind of inflorescence is there, you should mention there, right? If the leaf part is, you have preserved or you want to show some kind of venation, reticulate venation hai ya parallel venation, you have to mention that. So labeling include this, the part of the specimen, one thing, and then as well as at the lower right corner you have to mention the scientific name, that is your biological name. You have to mention the what your common name of the plant which you have collected. Agar aapko pata hai to you have to mention that. The time of collection you have to mention. Location of from where you have collected you have to mention. Right? Kisi biological garden se liya, zoo se collect kiya, ya kisi jungle se ya phir forest area se collect kiya. So all those things you have to mention there. This is mandatory. You have to mention all these things. So labeling is that part. And then finally deposition. You have to deposit that herbarium into a particular museum में रखना है या आपके school के पास school में herbarium तो वहाँ पे deposit करना है, colleges में deposit करना है, तो एक particular place पे आप उसको रखोगे ताकि कुछ कोई person if they want to study that plant, तो they can use that herbarium and analyze it properly, study that and can find out the character. तो किसी plant के part को you can analyze, you can study by using the herbarium technique. Now this point is clear. Satpreet, point clear hai? Dexy, herbarium part is clear? Done? See now, what are the major herbaria? Okay, thank you. So, what are the major herbaria? That means, in the world, what are the name? Because we have several herbaria, where the different herbarium sheet of different plants is collected and stored. So it's a very large collection. So largest herbaria is Royal Botanical Garden Kew. It is also mentioned in NCERT. So it is very much essential to learn this name. It's a bahut sare name hai, lekin you have to learn at least maine 2-3 to main aapko karne karne hai. Jaise Royal Botanical Garden Kew is located in is Kew, basically it's largest herbaria, right? You have to remember, I have a question, it's already asked in the examination. Museum wala Natural History Paris, nahi pucha. Kumrao ka Botanical Institute, nahi pucha. New York Botanical Garden, ye pucha ho question hai. Conservatory Botanical Garden, Geneva, ye pucha ho question hai. Toh at least ispe toh question bahut bana hai. Toh first one is your very important one. Isko toh aap bilkul chhodenge nahi. Ek ye yaad karenge, and this one, and baki ye chal jayega. तो एक दो आपको नाम याद रखने हैं वर्ल्ड के हैं, जैसे वर्ल्ड इंडिया में कौन कौन से हैं, यू हैव टू आल्सो लर्न दैट इन इंडिया वी हैव डिफरेंट बॉटनिकल योर मेजर हर्बेरिया. व्हाट आर दोस मेजर हर्बेरिया इन इंडिया? सी, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता, राइट, पूरा नाम याद करना है, हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. तो ये तीनों, ऑल थ्री पूरा माइंड में, सेंट्रल वाला कोलकाता वाला जरूर याद रखना, ठीक है, बाकी सबके माइंड में जरूर है कि नाम आते हैं. एनसीईआरटी में दिए हैं, एनसीईआरटी में क्यू वाला तो दिया हुआ है और एक नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ शायद ये भी दिए हुए हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज बॉटनिकल गार्डन.
बॉटेनिकल गार्डन. अब ये बॉटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? वी नो दैट, अगर आपको थोड़ा आइडिया लग रहा हो कि आपके सिटी में भी बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली लोकेटेड है वहां पर, तो यू गो टू द बॉटेनिकल गार्डन एंड फाइंड आउट द सम मेडिसिनल प्लांट देयर, सम हर्ब्स आर देयर एंड अदर काइंड ऑफ शर्ब्स प्लांट, trees also there who have very medicinal purpose, or as well as mostly herbs are medicinal purpose, but some trees are also involved, and some kind of rare species of plant is also present in your botanical garden. So botanical garden kya exactly? It's a growing important flora of local variety. Ab aisa hota hai ki us particular area mein, geographical area mein, one particular kind of plant can grow, other cannot grow. तो लोकल वैरायटीज को जनरली वहां पर ग्रो कराया जाता है, प्रिजर्व रहता है, वो स्पीशी एंडेंजर्ड हो रही है तो दम वैरायटी इंडेंजर्ड हो रहा है तो उसको और ज्यादा प्रिजर्व किया जाता है बॉटनिकल गार्डन में ग्रो कराकर के साथ साथ. ग्रोइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एंडेंजर्ड वैरायटी, वही ऐसी वैरायटीज जो एंडेंजर्ड है, यानी कि दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर. कैसे बच्चों? वेरी फ्यू है, राइट? आओ भाई, तो दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, सो दे आर आल्सो गो इन बॉटनिकल गार्डन. ऑल दिस कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल लोकल प्लांट वैरायटी लोकल है, नो शोर, प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर सिस्टमेटिक वर्क्स एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो अब यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन के कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं एग्जैक्टली, कि जो डिफरेंट प्लांट्स हैं जो या तो एंडेंजर्ड हैं या लोकल वैरायटीज हैं या डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, एंड वन पर्सन वांट टू लर्न ऑल दोस थिंग्स, तो दे शुड मूव टू द बॉटनिकल गार्डन और स्टडी ऑल दोस, बिकॉज साइंटिफिक नेम तो वहां पे काफी हर प्लांट के ऊपर लिखा ही होता है और उसके मेडिसिनल पर्पस क्या है तो वो उसका भी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाता है. ठीक है, सी नाउ सम इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया हमने मेंशन किया यहाँ पर. न्यू यॉर्क का जो बॉटनिकल गार्डन है यूएसए में लोकेटेड है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू का, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न जरूर कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आया हुआ है. रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू लंदन 60s में डेवलप किया था, एंड लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड एज वेल, इट्स द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, राइट? इट्स द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड. Padua Botanical Garden, Italy, Berlin Botanical Garden Museum, Berlin, Germany, Cambridge University Botanical Garden, Cambridge, UK में, और main Botanical Garden, Moscow, ये भी larger Botanical Garden है काफी, Moscow में, Moscow का है. अब आइए Canada का Royal Botanical Garden, ये भी NCERT में given था, Indian Botanical Garden, Howard में, India, Howard, और National Botanical Research Institute, Lucknow, तो NBRI, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, एक इसको अच्छे से याद रखिएगा माइंड में, ये तो आपको याद ही रखने, इसका कुछ और पता है नहीं, रॉयल बॉटनिकल गार्डन पर माइंड रखिएगा, इट शुड बी, एंड दिस वन, बाकी थोड़े से जस्ट एक्सपोज टू देम कि हाँ दीज ऑल आर बॉटनिकल गार्डन इनकी लोकेशन, पर मोस्टली दीज आर हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, तो इनको माइंड में जरूर अच्छे से लर्न कर लेना, मतलब इनको लर्न करके रखना है. सी अभी की क्या होती है, की आपके बुक के अंदर लास्ट में गिवन है कि व्हाट आर द की एग्जैक्टली, तो वी कैन से की इज आल्सो एड, इज आल्सो एड फॉर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एज वेल एंड एनिमल एज वेल. ठीक है, प्लांट एंड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वी यूज सम की. व्हाट आर दीज की? तो वी कैन से बेस्ड अपॉन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज in the characters, these keys are defined. For example, depending upon the taxonomic category, a key may be a class key kahenge, it may be a order key, it may be a family key, it may be a genus key. That means, why we are saying that class key, order key, family key, genus key, yes, species key. That means at each and every level, if we are studying any organism or we are studying their species, right? Particular species level. So species, these particular organisms are categorized. They have some characters.
on the basis of this character, the this particular plant or particular animals, it been categorized into a particular species. Would be different at each level. We can say there would be species ki, genus ki, family ki alag hongi, order ki hongi. So these are the statement exactly. These are the statement. These are complementary. Kuch characters ke hone par ya na hone par keys present hongi. Uske base pe you identify and belong that organism to one particular plant ya animal. So abhi si main ek naam diya couplet. So key jo humne yaha padha statements hoti hain. These are statement. The keys are based on some set of contrasting character, generally in pair. For example, if you find out the height of a plant, for example, height of plant is one particular character. One particular character is height. So, ab plant mein do conditions hoti hain height mein. Ya to plant is either plant is tall or either plant or plant is short in height or small or dwarf, right? So, when you considering any plant. And you find out the height of plant is this much, either you put this height into the tall one or a dwarf one. So this is what the statement plant is tall or plant is dwarf. This is complete contrasting characters, completely contrasting statements which are defining our one particular character. And this complete contrasting statement on the basis of which you will find out the one particular organism should belong to one particular category, that is what, that is your couplet. So couplet will help you to classify or to arrange some particular organism on the basis of their some character, right? That is what. So lead, in the case of next, lead each character ya couplet or statement in the key ko hum lead kahenge. Jo statement thi, jo contrasting statement thi, that is couplet, double complete contrasting. लेकिन हर स्टेटमेंट दो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट थी पिछले कपलेट में, तो हर स्टेटमेंट को हम लीड कहेंगे. जैसे प्लांट इज टॉल, इट्स अ लीड. प्लांट इज ड्वार्फ, इट्स अ लीड. बट प्लांट इज टॉल और ड्वार्फ, आइदर दोनों स्टेटमेंट इकट्ठी रखी मैंने, तो दिस इज कपलेट. तो कपलेट एंड लीड, ये दो डिफरेंस हमारे पास माइंड में आएंगे. ठीक है. अच्छा, तो वन हैज टू चूज करेक्ट ऑप्शन बिटवीन द स्टेटमेंट बिकॉज यू हैव कपलेट, वी हैव लीड, एंड यू हैव टू फाइंड आउट on the basis of this couplet or lead and find out the character in the particular organism which plant or animal specimen, and find out the which statement, which lead is best suited in a particular character in your specimen, so that you can arrange that specimen in particular species, group or order or anything. So one has to choose correct option between two statements of character of defining species, so that animals or plant is identified accurately. Keys are analytical nature. What do you mean analytical? Because on the basis of you analyze the two particular characters ko analyze kar rahe hain, ya things ko analyze kar rahe hain, aap cheez ko plants ko analyze kar rahe hain, unke statement, unke characters, unke physical appearance ke basis par, right? So basically isme jata physical appearance hi hoti hai, because anatomical cheeze abhi isme consider nahi ki jati. So is this point clear to check? Bitsy, Satpreet, everyone. Now moving to the monograph. Monograph, what is monograph exactly? ये देखो NCERT में सिर्फ word है खाली last में. It's only word given. It gives the comprehensive account of complete compilation of available information. Means whatever the information you have of any one family and genus at in a one particular time. So this particular information, if available or compiled in a one particular we can say a booklet something, or that is the monograph. So monograph is what? Monograph will provide you the information, compiled information of any one family or genus, right, at a given particular time period.
तो क्या अवेलेबल है, वो मोनोग्राफ आपको एक इंफॉर्मेशन देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा किसी फैमिली के बारे में, किसी पर्टिकुलर जीनस के बारे में, स्पीशी के बारे में, दैट इज गिवन बाय मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ के हेल्प से भी आप यू कैन फाइंड आउट दैट यस कि ये पर्टिकुलर स्पीशी, दिस पर्टिकुलर स्पीशी या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू वन पर्टिकुलर स्पीशी और इट विल बिलोंग टू वन पर्टिकुलर ऑर्डर, किसको बिलोंग करेगा। तो मोनोग्राफ विल हेल्प यू इन दिस केस। व्हाट आर मैनुअल्स, मैनुअल यू पीपल नो वेरी वेल, दे आर कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन अगेन बट अबाउट किसके बारे में, covered, area covered, keys, description of family, genus, species. तो monograph क्या करता है, हर एक particular level के बारे में बताता है, यानी species के बारे में information होगा, या उसके पास particular आपके monograph होंगे, genus के बारे में बता रहे हैं या order के बारे में बता रहे हैं, तो they are monograph देखिए, हर particular level पे there would be a different monograph. But if we talk about manuals, तो manual will give you compiled information, complete information of the particular organism which is belonging या plant which is belonging to a one particular area जहाँ पे वो located है, habitat है वहाँ का, right, inhabited करता है, तो area के बारे में information देगा particular plant के, and as well as description of families, families की description देगा, meaning यार कि exactly कौन कौन से plant का कौन सा family है, यानी जैसे leguminosi family हो गया, solanaceae है, इन सबको बारे में, तो all descriptions फैमिलीज के बारे में, जीनस के बारे में भी, कौन सी जीनस है प्लांट की, उस प्लांट का स्पीशी कैसा है, मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन अ मैनुअल, राइट। तो मैनुअल इज कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। पब्लिकेशंस लाइक पीरियडिकल एंड डिक्शनरी आर ब्रॉट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, न्यू एडिशनल एंड अपडेट इंफॉर्मेशन। तो मैनुअल की तरह होते हैं पीरियडिकल, डिक्शनरी जो भी, ये भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं जस्ट लाइक मैनुअल्स। तो मैनुअल्स में आप यू कैन से कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है कि वो पर्टिकुलर प्लांट या ऑर्गेनिज्म का पूरा इंफॉर्मेशन, जीनस, स्पीशी एज वेल एज योर लोकेशन। नाउ कैटलॉग, व्हाट यू मीन बाय कैटलॉग, कैटलॉग के केस में जो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास जितने भी टैक्सोनॉमिकल एडिंग एड हैं जो हेल्प कर रहे हैं, राइट, उन सब की इंफॉर्मेशन कैटलॉग में होता है, यानी ऑल द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड जहां पर आपने इसको एनुमरेट किया हुआ है, लिखा हुआ है, दैट एनुमरेट द मैथमेटिकली ऑल द स्पीशी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा उसके बारे में, इट प्रोवाइड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीशी विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसको बिलोंग करेगा, दैट इज कैटलॉग। तो कैटलॉग थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, उससे कम इन्फॉर्मेशन आपका मैनुअल्स और मोनोग्राफ, हर एक लेवल की इन्फॉर्मेशन देगा ईच जीनस के, कपलेट आपकी कंट्रास्टिंग कंप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होगी और हर स्टेटमेंट को लीड कहेंगे, राइट, एवरी स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड, एंड देन की तो आप भाई डिपेंडिंग ऑन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर की मतलब हर प्लांट अगर जीनस स्टडी करना तो जीनस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, स्पीशी को स्टडी करते स्पीशी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, डेटाज होंगे, दैट ऑल आर की। तो की हर लेवल के लिए अलग अलग होगी, ऑर्डर की, फैमिली की, जीनस के की, स्पीशी के की, दे आर अलग, दे आर डिफरेंट बिकॉज दे आर टेलिंग अबाउट द वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द वन पर्टिकुलर स्पीशी या जीनस, सो दे हैव वन पर्टिकुलर कैरेक्टर्स एज वेल, दैट्स व्हाई की। सो दीज ऑल आर द थिंग्स व्हिच अ पर्सन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई, टू नो द थिंग, टू नो द प्लांट्स और एनिमल्स। कैटलॉग हो गया। अब ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई दिस क्वेश्चन, हर्बेरियम शीप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या लिखेंगे आप इसके केस में, हर्बेरियम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, फर्स्ट इट्स प्लेस फ्रॉम वेयर एनिमल स्पीशीज कलेक्टेड, फर्स्ट थिंग अ प्लेस and date on which plant specimens are collected, only botanical name of plant specimen mounted on it, yeah, date, place, local name of acellular organism mounted on such sheet. That's what you say. Yes, Betsy, Satpreet, what do you say? What should be the right answer in this case? Kya ho sakta aapke according? हर्बेरियम क्या प्रोवाइड करता है, हर्बेरियम शीट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट,
Yes. Any idea? अच्छा बैलेंस शीट क्या प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन, इज इट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनिज्म, या वो डेट भी बताता है, प्लेस भी बताता है, लोकल नेम बताता है, इसलिए ऑर्गेनिज्म माउंटेन द शीट, या फिर ओनली बॉटनिकल नेम बताता है और प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन द इट, या प्लेस एंड डेट ऑन विच प्लांट स्पेसिमेन वाज कलेक्टेड, या प्लेस वेयर एनिमल. देखो ये भी पॉइंट ठीक है, लेकिन इससे अच्छा क्या ये भी पॉइंट ठीक है? हाँ ये भी ठीक है. यहाँ पर बॉटनिकल नेम, खाली बॉटनिकल नेम नहीं, कॉमन नेम भी मेंशन किया था उसका. तो डेट, प्लेस, लोकल नेम, इसलिए, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कि बॉटनिकल नेम नहीं है. तो अगर अगर देखें इन्होंने चारों में से 100% इन्फॉर्मेशन अवेलेबल के बारे में कोई भी नहीं दे रहा, लेकिन इस वाले में फोर्थ वाले में क्या है कि यस इट विल गिविंग द मोर इन्फॉर्मेशन की द हर्बेरियम शीट प्रोवाइड यू द डेट एट विच द हर्बेरियम इज कलेक्टेड और प्रिजर्व. इट इज ऑल्सो एक्सप्लेनिंग द फ्रॉम Which place the specimen is collected as a local name. लेकिन यहाँ पर acellular given है, तो acellular यहाँ पर ये वाला point गलत हो गया और binomial system भी दिया है. इस point से ये वाला point गलत है. भाई इसमें only botanical name of plant specimen mounted. तो यहाँ botanical name भी local name है, तो only वाला गलत है. इसमें चारों option बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं भी. लेकिन अगर देखेंगे तो best आपको भाई third की तरफ जा पाओगे आप only. तो only में हटा दें तो best आपका answer third ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. अच्छा ईच स्टेटमेंट ऑफ की इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको बताओ. ये इजी है, इसमें वो वाला पॉइंट नहीं रहेगा कि यार की एम्बिग्यूटी आए. यस सत्यप्रीत ने आंसर दे दिया लीड. ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ईच स्टेटमेंट को की में वी कॉल इट लीड कपलेट. तो दोनों का मतलब लीड एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कहेंगे. व्हाट व्हाट यू से बीट से It's a couplet, taxon, lead or category. आप भी पढ़ेंगे क्या? No idea. बच्चे इसे simple, it's very simple. Each statement in the key is called lead because when we are talking about, okay, we are talking about any one character. यानी अगर आपकी पर्टिकुलर कैरेक्टर को आप स्टडी कर रहे हो तो एक वन पर्टिकुलर लीड बन गया ना. ऑन द बेस ऑफ दैट कैरेक्टर दैट स्टेटमेंट यू विल आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, राइट. तो दैट स्टेटमेंट इज लीड. व्हेन यू हैव टू लीड व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, फॉर एग्जाम्पल स्टेम हाइट में दिस प्लांट इज वेरी टॉल, दिस प्लांट इज वेरी शॉर्ट या ड्वार्फ. तो दोनों कैरेक्टर, दोनों स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट combined form couplet, right? Right? तो यहाँ पे वैसे आंसर क्या है? Lead is right answer. क्योंकि एक statement क्या? Each statement is there, not both. So each statement is that lead, right answer. चलो good at bits in, fine. तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना? तो अभी आपने करना क्या है जा जाके? जैसे कि आपने two classes हुई यहाँ पर हमारी, जिसमें हमने कुछ systematic classification, biological classification, couplets, monograph. ये आपने एक बार जाना है एनसीईआरटी के गो थ्रू. एनसीईआरटी को आप जरूर स्टडी करेंगे एक बार अच्छे से, और एनसीईआरटी में वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है. कि हम अगर मोनोग्राफ की डेफिनेशन समझ भी गए हैं लेकिन उसके बावजूद की स्टेटमेंट भी पता है हमें, लेकिन एनसीईआरटी के एक एक लाइन को अगर हम स्टडी नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी नॉलेज एडवांस होने के बावजूद भी आप राइट आंसर पे नहीं पहुंचोगे. क्योंकि इन केस ऑफ नीड every line of NCERT, every line of NCERT is important. तो वहां पर आपको काम करना है हर statement, हर line पर. आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर तो हम NEET के accordingly और AIIMS के according content पढ़ाएंगे, advanced वाला भी लेंगे. तो just एक classification और chapter था जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, advanced जान भी नहीं सकते, उसका कोई मतलब नहीं बनता. लेकिन other जो chapters हैं जैसे physiology है, you have to move extra to NCERT समझने point के लिए. साइकोलॉजी पार्ट है, यू हैव टू मूव लिटिल बिट हायर. बायोमोलिक्यूल लिटिल बिट हायर एंड प्लांट फिजियोलॉजी लिटिल बिट हायर, मोस्टली रेस्पिरेशन वाला पार्ट एंड देन रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेन. सो बट अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू स्टडी लाइन बाय लाइन
NCERT part of each and every chapter. Along with that, you have to do at least 200 questions per chapter. ये भी important है, है ना? वो भी जरूरी है, वो जरूरी है करना questions. कि once you do questions, आपका जो concept है, it will convert into concretely. मतलब it will simply the content will be settled down in your mind, and you will aware कि how the question would be asked and what should be the right answer. Because sometimes two options are very close to each other, and in that case, it is very difficult to find out the right answer. So in that case, if we have done lots of questions, then it would be very easy to find out the right one, more appropriate one would be easy to find out. If only if you have do 200 to 250, 300 questions on each chapter you have done. As well, you have done about last 10 year questions from the chapters. If you have complete that, all these things, then it will be easy to understand. So, ye chapter thoda heavy hai tha, jisme bahut sari cheeze अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, याद करनी है. फिर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको प्रॉपर क्लासिफाई करना है कि यस प्लांट्स को क्लासिफाई करना है. उससे पहले एल्गी, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और उससे पहले एल्गी की भी क्लासेस हैं. फंजाई को भी डिफाइन किया गया है, उसकी भी डिविजन्स हैं. सो ऑल दिस थिंग्स. फिर एनिमल किंगडम है. तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं एक जो जूलॉजी का पोर्शन देखेंगे, कुछ पोर्शन देखते हैं क्लास कौन सी अकॉर्डिंगली. बॉटनी का सीक्वेंस है तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है. और ये काम कर सकते हैं, टुमारो रिवाइज ऑल दो थिंग्स एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग टुमारो की क्लास में, ताकि एक थोड़ा कंक्रीट लेवल पे आ जाए, जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर पाए. तो इट वुड बी इजी. तो टुमारो वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस चैप्टर ओनली, एंड दिस क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर मेडिकल एग्जामिनेशन. आपके नीट से भी होंगे और ERPM डिपार्ट से भी होंगे. तो एक आइडिया मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा आता है, क्या तुमने करना है, कौन सी चीज और ज्यादा याद नहीं है. ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, रिवाइज जरूर कर लेना इस बार इतना, और NCERT जरूर कर लेना, ताकि कल वाले क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे आसानी से और उसके क्वेश्चन भी निकल पाएंगे. बाय बच्चों, बाय.